दोस्तों, क्या आपको पता है आपके मोबाइल में फास्ट चार्जिंग करने के लिए एक सेटिंग दी जाती है जिसे आप ऑन ऑफ करके अपनी जो चार्जिंग है उसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल स्लो चार्ज हो रहा है तो आप उस सेटिंग को ऑन करके अपने मोबाइल को बहुत ही तेज़ी से चार्ज कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने जो मोबाइल की सेटिंग है उसे ओपन कर लेना है। देन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये सैमसंग मोबाइल के लिए बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी सैमसंग का कोई भी मोबाइल चला रहे हैं तो ये सेटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अन्य मोबाइल को चला रहे हैं तो ये सेटिंग उसमें वर्क नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेटिंग में आने के बाद मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डिवाइस केयर के नाम से। आप इस डिवाइस केयर के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट आइकन है बैटरी का उसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पे अपनी बैटरी यूजेस देख सकते हो कि आपकी बैटरी का कौन सी जो ऐप है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, तो उस हिसाब से आप अपनी ऐप को भी एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो सबसे नीचे आपको जो चार्जिंग का आइकन मिल रहा है आप इसे क्लिक करना है आपको। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दो यहाँ पे ऑप्शन है, फास्ट चार्जिंग और फास्ट वायरलेस चार्जिंग। मैंने फास्ट चार्जिंग को इनेबल किया हुआ है तो मेरा मोबाइल बहुत ही तेज़ी से चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आपका ऑफ है तो आप क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हो, और अगर आपका मोबाइल वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आप उसे भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।